तो अब इस एग्जाम्पल से हम रन प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रन का मतलब क्या होता है। रन मीन्स अ सबसीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल सिंबल्स। आइडेंटिकल सिंबल्स मतलब इधर जीरोस और वंस, बिकॉज वी आर स्टडिंग पीएन सीक्वेंस एंड दैट पीएन सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरोस। एंड रन इज डिफाइंड एज द सबसीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल सिंबल्स, दैट मीन्स इधर वंस और जीरोस। तो अगर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पीएन सीक्वेंस या मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस, जिसको हम शॉर्ट में एमएल सीक्वेंस भी बोलते हैं, इज गिवन। ये 15 बिट का सीक्वेंस है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 15 बिट्स का है। 15 बिट्स का है मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि एम की वैल्यू क्या रही होगी। एम की वैल्यू 4 रही होगी, बिकॉज एन इज इक्वल टू 2 to the power m minus 1, एंड एन इज 15। सो 15 प्लस 1 गिव्स 16, दैट मीन्स 16 इज इक्वल टू 2 to the power m, विच स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ m विल बी 4। यानी जो हमारा पी एन सीक्वेंस जनरेटर बना है उसमें हमारे शिफ्ट रजिस्टर की साइज़ क्या है, 4 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन द पी एन सीक्वेंस जनरेटर इज 4। तो ये तो हमारा ऐसे पी एन सीक्वेंस जनरेटर बनेगा इस दिए हुए पी एन सीक्वेंस के लिए। अब देखते हैं रन। रन मतलब आइडेंटिकल सिंबल। अब देखिए स्टार्टिंग में 3 जीरो आपके एक साथ आ रहे हैं, यानी वो तीनों जीरो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो वो एक रन बनाएगा। तो हमने उसको शो कर दिया 1 से, रन नंबर 1। फिर 1 हमारा अकेले आ रहा है तो वो रन नंबर 2 हो गया। फिर 2 जीरो एक साथ आ रहे हैं तो वो रन नंबर 3 हो गया। फिर 2 1 एक साथ आ गए तो उसको रन नंबर 4 मान लीजिए। फिर 0 अकेले आया, रन 5 मान लीजिए। 1 अकेले आया, रन 6 मान लीजिए। 0 अलोन कम्स, उसको रन नंबर 7 मान लीजिए। और फिर 4 1 एक साथ आ रहे हैं तो फिर वो आइडेंटिकल हो जा रहा है, तो उसको हमने मान लिया रन नंबर 8। यानी टोटल रन्स ऑफ दिस पी एन सीक्वेंस इज इक्वल टू 8। अब रन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 1/2n ऑफ टोटल रन्स आर ऑफ लेंथ n। मतलब ये 2 पे आप जो भी पावर ले रहे हैं वो पावर ही आप लेंथ n में भी ले रहे हैं। जैसे इसको n की वैल्यू रखते जाते हैं और फिर देखते जाते हैं क्या मतलब हुआ। 1/2n, इसमें n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो 1/2 इंटू 8 ये हो जाएगा ऑफ टोटल, 1/2 ऑफ टोटल रन्स। टोटल रन्स हमारे पास कितना है, 8 है, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, तो 8 रख देंगे। तो 8/2 हमारा 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 4 रन्स आर ऑफ लेंथ, क्या लेंथ होगी, 2^1 हमने रखा था, n की वैल्यू 1 थी, तो लेंथ भी कितनी लेंगे, 1 लेंगे। यानी 4 रन्स हमारे ऐसे होंगे जिनकी लेंथ 1 होगी। अब इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं। जो ऊपर पी एन सीक्वेंस दिया है उसमें देखिए जो रन नंबर 2 है उसकी लेंथ 1 है, वो एक अकेले 1 से बना हुआ है। फिर रन नंबर 5, वो एक अकेले 0 से बना है, उसकी भी लेंथ कितनी हो गई, 1 हो गई। रन नंबर 6 एक अकेले 1 से बना है, उसकी भी लेंथ 1 हो गई। और रन नंबर 7 एक सिंगल 0 से बना हुआ है, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो गई, उसकी भी लेंथ 1 हो गई। तो 4 रन्स हमको मिल गए जिनकी लेंथ 1 थी। तो हमारा एक पहला स्टेटमेंट जब हमने n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की वो वेरीफाइड हो गया। नाउ सेकेंड, n की वैल्यू 2 रखते हैं, 1/2 इंटू 8, विच मीन्स 8/4, दैट इज इक्वल टू 2। दिस मीन्स दैट 2 रन्स आर ऑफ लेंथ 2। अब हमारे पास 2 रन ऐसे होंगे जिनकी लेंथ 2 होगी, तो देख लेते हैं। अब देखिए रन नंबर 3, उसकी लेंथ 2 है। कैसे 2 है, क्योंकि हमारे पास 2 0 एक साथ आ रहे हैं। रन नंबर 4, उसकी भी लेंथ 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि 2 वंस एक साथ हमारे पास आ रहे हैं। तो 2 रन हमको ऐसे मिल गए जिनकी लेंथ 2 है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉर n इज इक्वल टू 2 इज वेरीफाइड। नाउ कीप द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, दैट गिव्स 1/2 इंटू 8, विच इज 8/8 इज इक्वल टू 1। यानी 1 रन विल बी ऑफ लेंथ 3। यानी हमारे पास वन रन हो गया जिसकी लेंथ 3 है। अब देख लेते हैं इस गिवन सीक्वेंस में हमारा जो रन नंबर 1 है उसमें देखिए 3 वंस एक साथ आ रहे हैं, यानी उसकी लेंथ क्या हो गई, 3 हो गई रन नंबर 1 की। अब अगर हम नेक्स्ट n की वैल्यू 4 रखेंगे तो वो हमें 8/16 मिल जाएगा। 8/16 यानी हाफ,
तो यहाँ पर हम अपना कैलकुलेशन रोक देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें टोटल कितने नंबर ऑफ रन्स मिले हैं। 2567 जिसकी लेंथ 1 थी, रन नंबर 34 जिसकी लेंथ 2 थी, और रन नंबर 1 जिसकी लेंथ 3 थी। यानी इन टोटल हमें मिल रहा है 7 रन्स। और टोटल नंबर ऑफ रन्स जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ था स्टार्टिंग में, जो हमने कैलकुलेट किया था टोटल रन्स, वो 8 था। अब 8 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं, 8 जो कि हमने टोटल स्टार्टिंग में निकाला था, और 7 कैसे आया, ये जो अभी हमने एक एक करके कैलकुलेट किया है लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3 का, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें 1 रन मिलेगा। अब जिसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 कंप्लीट हो गया है, यानी अब 1 रन ऐसा होगा जिसकी लेंथ 4 होगी। तो देख लेते हैं सीक्वेंस में, देखिए जो लास्ट रन है, रन नंबर 8, उसमें आपके 4 वंस एक साथ आए, यानी उसकी लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई। तो आपका 1 रन ऐसा है जिसकी लेंथ 4 है। तो इस तरह से हमारी रन प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाइड हो गई। इसमें हमको ये याद रखना है कि रन मीन्स सबसीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल सिंबल जीरोज और वंस, एंड उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी दैट 1/2n ऑफ टोटल रन्स आर ऑफ लेंथ n। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी आपको ml सीक्वेंस दिया है, मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस, उसको रन्स में डिवाइड कर लीजिए। मतलब आइडेंटिकल सिंबल्स को एक रन मानिए, जैसे यहाँ 000 को हमने माना था, फिर 1 अकेले सिंगल में आया था तो उसको अलग रन मान लिया था, और इस तरह से फिर हमने ये पूरा सॉल्व करके इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई जो कि रन प्रॉपर्टी थी।